हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोलिटिकल्स में। आज की वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि गीज़र कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमारे पास एक गीज़र है जो कि हमारा बजाज कंपनी का है। ये 2 किलोवाट 25 लीटर का गीज़र दोस्तों आपको हम यहां पर दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 2 किलोवाट और 25 लीटर स्टोरेज वाला ये गीज़र है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसमें जितना भी रस्सी, हम सभी रस्सी को खोल के हटा देते हैं। टोटल रस्सी हम खोल के हटा देंगे और इसके बाद दोस्तों हम टेस्टर से अपना स्टेप को काट के ओपन कर लेंगे बॉक्स को। तो हम इसे अच्छी तरह से काट लेते हैं और ये हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसके साथ, गीज़र के साथ। तो जैसा कि यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ पेपर इसमें दिया हुआ था। तो ये दोस्तों वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन पेपर है दोस्तों, कैसे कैसे इसे फिट करना, उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस पेपर में। तो दोस्तों पहले हम इसे साइड कर लेते हैं इसका और देखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये एक सेफ्टी बल्ब दिया हुआ है दोस्तों इसमें, ये जो हमारे गीज़र में लगना है सेफ्टी बल्ब है दोस्तों। तो इसे भी हम साइड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस थर्मोकोल को निकाल लेते हैं बाहर, और थर्मोकोल को दोस्तों हम सीधा करके रख लेते हैं पहले, क्योंकि दोस्तों गीज़र हमें इसी पर निकालना है। इसके बाद प्लास्टिक वगैरह दोस्तों हम गीज़र को बाहर निकाल लेंगे। अब इस बॉक्स को हम साइड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा गीज़र है। तो सबसे पहले हम इसे क्लोथिन से निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं दोस्तों, बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। आराम से दोस्तों हम इसे निकाल लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने इसे निकाल लिया है। ये हमारा गीजर है। तो अब दोस्तों हमें इसमें कुछ सामान अलग से भी लाना पड़ा, जैसा कि ये हमारा एंगल कॉक नहीं लगा हुआ था। तो हमने 2 एंगल कॉक, 1 टेफ्लॉन टेप और 1 3 पिन टॉप लिया है 16 एम्पीयर का, जो इसमें नहीं लगा हुआ है दोस्तों। तो इसलिए हमने ये 3 पिन टॉप लिया है। ये हमारा 16 एम्पीयर का 3 पिन टॉप है। और इसके साथ दोस्तों एक हमने PVC गुल्ली विथ नट वाला सेट और 2 कनेक्शन पाइप लिया है। तो ये दोस्तों हमारे, ये हमारा सेफ्टी वाल्व दोस्तों, जिसे हमें कूल वाले पे कसना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप लगा लेते हैं, ताकि लीकेज वगैरह ना हो। बिना टेफ्लॉन टेप का दोस्तों लीकेज हो सकता है, तो हमें टेफ्लॉन टेप लगा ही लेना है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे दोस्तों, हमने टेफ्लॉन टेप लगा के इसे कस लिया है। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से कसना है, तो हम इसे यहाँ पर एडजस्ट पाना का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने अच्छी तरह से इसे टाइट कर लिया। इसके बाद दोस्तों हमने हॉट वाला को हम खोल लेंगे, उसमें भी जरा सा टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। पहले हम टेफ्लॉन टेप लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम अपना कनेक्शन पाइप लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन पाइप है, हम इसे यहाँ पे टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से दोस्तों। हम एडजस्ट पाना से एकदम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और इसी तरह दोस्तों हम एक और कनेक्शन पाइप लेते हैं, और इसे हम कूल वाले, जो हमारा कूल वाला सेफ्टी बल्ब का जो ऊपर वाला मुंह है, उस पर हम इसे टाइट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे थोड़ा सा। ये हमने टेफ्लॉन टेप लगा लिया। इसके बाद दोस्तों हम इसे यहाँ पे टाइट कर देंगे अच्छी तरह से एडजस्ट पाना से। हम यहाँ पे इसे टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें 3 पिन टॉप भी टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 पिन टॉप है, हम इसे टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो हम इसमें 3 पिन टॉप इस गीज़र वाले वायर में हमने लगा लिया है। ये हमारा 3 पिन टॉप लग चुका है। अब चलिए दोस्तों हम वहाँ पे चलते जहाँ पे ये गीज़र लगने वाला है। तो यहाँ पे हमारा ये गीज़र लगने वाला है दोस्तों। सबसे पहले तो हम यहाँ पानी बंद कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जब भी प्लग खोलेंगे तो वहाँ पानी गिरने लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम पानी निकाल के इस प्लग को खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये तो पहले हाथ से भी खुल सकता है, या अगर नहीं खुले तो रिंच का यूज़ कीजिए दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पाना का यूज़ कर रहे हैं एडजस्टिंग पाना का। तो दोस्तों ये थोड़ा दिक्कत कर रहा था, ये हमारा खुल चुका है दोनों दोस्तों। इसके बाद हम इसमें एंगल कॉक लगा लेंगे दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं,
ये हमारा एंगल कॉक है। पहले हम इसमें अच्छी तरह से टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे। टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद दोस्तों हम इसे यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो बहुत जगह दोस्तों क्या होता है कि ये लगा हुआ रहता है तो वहाँ पे हमें ये लगाना नहीं पड़ता है। तो जहाँ लगा हुआ रहे वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जहाँ नहीं लगा हुआ रहा है वहाँ पे अपना इस तरीके से टाइट कर लेंगे हम। तो इसे अच्छी तरह से पाना की मदद से हम टाइट कर लेंगे, रिंच से टाइट कर लेंगे। अच्छी तरह से टाइट से, इसी तरह दूसरे वाले को भी हमने टाइट कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारा दोनों एंगल कॉक टाइट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि गीज़र का जो हुक का मेजरमेंट है वो हम कर लेंगे, कितना कितना दूरी से कितना दूरी पर होल मारना है वो हम मेजरमेंट कर लेंगे और हाइट भी मेजरमेंट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ टाइल्स से हाइट मेजरमेंट पहले कर लेते टाइल्स के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हमारा टाइल्स एकदम सीधा लगा हुआ है, इसलिए हम पहले टाइल्स के हिसाब से हाइट मेजरमेंट कर लेंगे गीजर का हाइट के हिसाब से। तो ये हमने हाइट मेजरमेंट कर लिया। अब दोस्तों हम हुक का दूरी मेजरमेंट कर लेंगे, जो हमने यहाँ से नापी ले लिया है वो हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि अपना हैमर मशीन ले लेंगे और हैमर मशीन में गुल्ली के हिसाब से, जो दोस्तों हमें फास्टनर दिया हुआ है उसमें जो गुल्ली है उसके हिसाब से हम बीट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 12 mm का बीट लग रहा है तो हम अपना 12 mm का बीट ले लेते हैं और इसे मशीन में लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 12 mm का बीट हमने लगा लिया है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे होल मारेंगे। तो यहाँ पे हम होल मार लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो एंगल कॉक है हम उस पर कुछ पेपर वगैरह रख देंगे ताकि उसमें कचरा ना जाए। तो हम इस दोनों एंगल कॉक पर यहाँ पे पेपर रख दें। इसके बाद हम होल मार लेते हैं एकदम अच्छी तरह से, जितना ज़रूरी है उतना होल हम दोस्तों मार लेंगे। तो हमें यहाँ पे 3 इंची होल करना है तो हम यहाँ पे 3 इंची होल कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, 2.5 इंची होल करना है तो 2.5 इंची हम यहाँ पे होल कर लिए। ये हमारा दोनों होल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें PVC गुल्ली ठोक देंगे। जो हमारा फास्टनर के साथ PVC गुल्ली है इस दोनों में हम ठोक देते हैं। ये दोनों में हमने ठोक लिया। इसके बाद हम इसमें बोल्ट को टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा दोनों बोल्ट है, हम इसे अच्छी तरह से रिंच से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा एडजस्टिंग पाना है, हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लेंगे। अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट कर लेना है दोस्तों, ऐसे नहीं दोस्तों। तो अगर ऐसे दिक्कत हो तो डबल नट लगा के भी हम टाइट कर सकते हैं, एक के ऊपर एक नट लगा के। इसके बाद हम इसे टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक आराम से इसे हम कर लेंगे टाइट। तो ये हमारा टाइट हो रहा। तो अभी से बस दोस्तों 1.5 इंची बाहर रखेंगे, बाहरी बाकी पूरा को हम अंदर कर देंगे। तो हम इसे बाकी पूरा अंदर कर लेते हैं। तो ये हमारा लगभग हो चुका है, हमारा फुल्ली टाइट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें एक रबर वाशर और मेटल वाशर देके हम यहाँ पे एक एक नट दोनों में ऐसे ही करके फंसा लेते हैं। तो ये हम दोनों नट इसमें फंसा लिए। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसमें गीज़र को भी फंसा देंगे। तो ये हमारा गीज़र है। तो देखिए दोस्तों, ये आराम से बैठ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा गीज़र आराम से बैठ चुका है। इसके बाद दोस्तों हम इसे फुल्ली टाइट कर लेंगे, नट को अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेंगे ताकि दोस्तों गीज़र थोड़ा भी ना हिले। दोनों साइड से, ये दूसरी साइड से भी हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिया दोस्त। ये हमारा टाइट हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इस दोनों एंगल कॉक में से खोल के देखेंगे किस में पानी आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों पानी चालू कर लेंगे। इसके बाद हम खोल के देखेंगे, जिसमें पानी आ रहा होगा वो हमारा ठंडा वाला होगा, तो उसे हम कूल वाले में, मतलब कि ब्लू वाले कनेक्शन पाइप को वहाँ पर जोड़ देंगे और पाना के मदद से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे रिंच की मदद से। तो जैसा कि यहाँ पे आप दोस्त देख रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, पानी खोल देंगे। और पानी खोलने के बाद दोस्तों जब ये हमारा फुल हो जाएगा तो यहाँ से ये हमारा जो पानी जो हॉट वाला पाइप है उससे पानी आने लगा। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसे फिर हम टाइट कर देंगे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख रहे दोस्तों, ये हमारा पानी आ चुका है। इसका मतलब ये हमारा पूरा भर चुका है दोस्तों।
ये भरने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो हम इसे वहाँ पे टाइट कर लेते हैं, हॉट वाले जो हमारा एक और एंगल कॉक है उसमें हम इसे टाइट कर लेंगे। तो थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप लगा लेते हैं, टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें इसे टाइट कर देते हैं, अच्छी तरह से रिंच से टाइट कर देंगे। ढीला नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज होगा तो फिर ठीक नहीं होगा। इसके बाद हम इसे यहाँ पानी खोल देंगे और इसको दोस्तों पहले लीकेज चेक कर लेते हैं, लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज होगा तो ये हमारा दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पर लीकेज हमारा अभी नहीं है। तो हम दोस्तों अब इसे प्लग को हम लाइन में लगा देते हैं यहाँ पे, तो हम इसे यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हमारा लग चुका है। और ये जो थोड़ा दोस्तों वायर बड़ा बचा है इसे हम यहाँ पे बांध देंगे अच्छी तरह से, ताकि ज़्यादा नीचे न लटके, तो हम इसे यहाँ पे बांध दिए हैं, ये हमने इसे बांध दिया, हमारा पूरा बना चुका है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा दिया हुआ सेफ्टी वाल्व पे एक पाइप लगाने के लिए, इस पाइप को लगा के यहीं कहीं साइड में रख देना है। लेकिन दोस्तों हम इसे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा वैसे भी साइड में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से अगर कुछ पानी वानी गिरे तो ये हम दोस्तों इसे पहले तो मिडिल पर कर देते हैं, ये हमने इसे ऑन कर दिया है। दोस्तों ये जो ग्रीन लाइट है, ये पानी जब पूरा गर्म हो जाएगा जितना पे हमने हीट सेट किया है तब ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो जब गर्म होगा तब बंद होगा, तो अभी दोस्तों देखिए हमारा पानी अभी थोड़ा गर्म हो चुका है, पर शो कर रहा है दोस्तों मीटर में। तो हम दोस्तों यहाँ पे नल में चेक कर लेते हैं कि वाकई में थोड़ा गर्म हुआ है नहीं। तो हाँ दोस्तों ये हमारा पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो देख लिए दोस्तों आज के वीडियो में कि कैसे गीज़र इंस्टॉल किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।